हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ रिवोल्यूशंस के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जिन रिवोल्यूशंस को टर्म के तौर पर यूज़ किया गया और रिवोल्यूशंस को लाया गया, और वो रिवोल्यूशंस जो नाम दिया गया वो सब कलर के नाम पर हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन। तो हम इसमें ये समझेंगे कि ये जो सारे कलर के नेम हैं, ये सारे रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के फील्ड में आए, तो ये कौन सा रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो जैसा कि आप ग्रीन कलर से समझ में आता है कि ये क्रॉप से रिलेटेड है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन, वो क्रॉप जो अनाज हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रेन जो ग्रेन यूज़ करते हैं, तो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया गया था, जिससे जो ग्रेन है उसका प्रोडक्शन खूब बढ़ा था। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लू रिवोल्यूशन की, तो ब्लू रिवोल्यूशन हम जानते हैं, जो समुद्र का पानी हम देखते हैं तो हमें दिखता है जैसे ब्लू कलर का हो, तो वहीं से ये ब्लू रिवोल्यूशन नाम दिया गया था। और ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड है फिश से, तो फिशरी या फिश के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन चलाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन की, तो जैसा कि आपको व्हाइट नाम से आइडिया होता है कि मिल्क को के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन चलाया गया था, और फिर हमारी कंट्री मिल्क में पहले नंबर पर आई मिल्क प्रोडक्शन में। तो जो व्हाइट रिवोल्यूशन है वो मिल्क से रिलेटेड है। अब बचता है लास्ट में येलो रिवोल्यूशन। तो येलो रिवोल्यूशन उन क्रॉप से रिलेटेड है जो कि ऑयल जिनसे हमें मिलता है, एडिबल ऑयल, खाने के लिए जो ऑयल जिनसे मिलता है, तो उनके पैदावार को बढ़ाने के लिए, उन क्रॉप्स को उगाने के लिए, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ऑयल यील्डिंग जो प्लांट होते हैं क्रॉप के, उसको बढ़ावा देने के लिए या ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो रिवोल्यूशन चलाया गया था, उसको येलो रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये सारे रिवोल्यूशन कलर के नाम पर हैं। आप चाहे ग्रीन रिवोल्यूशन देखते हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए है, ग्रेन प्रोडक्शन के लिए है, आप व्हाइट रिवोल्यूशन देखते हैं तो मिल्क के लिए है, ब्लू रिवोल्यूशन देखते हैं तो फिश के लिए है, और येलो रिवोल्यूशन देखते हैं तो वो ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।